From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must to stay unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खोजने को व्याकुल यौवन के गीतों की वंशी को स्वर देने वाले कहीं भी हों, कोई भी हों, नामों को हम इतना महत्व क्यों दें? कोई तो आखिर होंगे जो रूढ़ियों के मुर्दों की छाती पर पांव रोक कर जीवन का शंख फूकेंगे। कोई तो आखिर होंगे जो जीवन रथ के चक्रों की लीकों पर युग की गंगाएं अपनी दिशाएं खोजेंगी, तभी जीवित लाशों की राखों में प्राणों का स्पंदन सपनों की चेतना को जगाएगा। तुम तो तटस्थ पाठिका और लेखिका ही हो ना, इतना तो इन्हें अपना स्नेह दो। लुकिंग एट देम हेल्पलेसली, द रेफ्यूजीज वॉकिंग विद लोड्स ऑन देयर हेड्स गिव्स मी इमेंस पेन। And ironically, reminds me of the time before the partition. I saw these images in my 7th standard history books, where there was a shortage of mediums and technology was not so vast as today. But catching the same image after 73 years of independence left me spellbinding. Asif is a daily wage worker. He was paid through driving a rented rickshaw. Now, when he is left unwaged, he wants to go back to his village. तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति केवल अपने व्यवसाय के लिए या अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के लिए या केवल सामाजिक स्थितियों के बदल जाने भर से अपनी मूल जगह से उखड़कर दूसरी जगह पर जा रहा है, क्या वह वहां पर उतनी ही सरलता के साथ, उतनी ही सहजता के साथ, उतनी ही सरसता के साथ स्थापित हो पाएगा? शायद उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। उसे कीमत चुकानी होती है अपनी व्यक्तिगत पहचान की, उसे कीमत चुकानी होती है अपने किए गए सारे कामों के मूल्य को ऐसे ही भुला देने की, उसे कीमत चुकानी होती है अपने राजनीतिक प्रतिबंधों की, उसे कीमत चुकानी होती है अपने किए गए श्रम के बदले में मिलने वाले मूल्य को भुला देने की। Now for our special report on migrant workers, it's been over a month of the lockdown and migrant workers are in more distress than ever with no money, no food. There continues to be an exodus of workers making their way home. NDTV's Sohit caught up with one such group that also included a 7-month pregnant woman. She said no one is helping the workers, though there are many are making promises and their journey is some 500 kilometers. Take a look. I am on the Mumbai Bhiwandi road and as you could see, people, women, small children, everyone is walking towards their hometown. These are also laborers who stay in Maharashtra, in different districts of Maharashtra, and they are also traveling on foot and going to walk
towards their home. As you could see, there are small children. His father is carrying him on his back. Sir, कहाँ जा रहे हैं आप? कितने बजे निकले हैं? कल 7 बजे से. कल 7 बजे निकले. छोटा इतना बच्चा है, किस तरीके से जा रहे हैं आप लोग? इधर क्यों रुके? क्यों नहीं आप लोग इधर? कोई व्यवस्था नहीं है कि क्यों नहीं रुक रहे हैं? अभी इधर भी रुक के कुछ ये नहीं ना, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है. खाने पीने की व्यवस्था? तो अब कहाँ तक चल के जाएंगे? कितना दूर कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जहाँ तक पैदल जाएंगे वहाँ तक जाएंगे. जाना कहाँ है आपको? नागपुर. तो एज यू कुड सी स्मॉल चिल्ड्रन. द हेवी लोड्स ऑन द बैक, द हंगर इन द आईज, एंड स्टिल द एनर्जी टू रीच द डेस्टिनेशन is deeply incredible. Those sacks don't bother them now. You and I cannot even imagine the level of pain they are facing. अच्छा सा एक पहाड़ जिसमें बॉक्साइट खोद कर निकाल लिया गया और उसकी जगह सड़कें बना दी गई, उसकी जगह उनको कंक्रीट के मकान दे दिए गए, उसकी जगह उनको स्कूल दे दिए गए, उसकी जगह एक हॉस्पिटल दे दिया गया और उसकी जगह एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि इसके बदले में जो हमने लिया था आपको वापस कर दिया. लेकिन आप शायद भूल जाते हैं कि एक आदिवासी के जीवन की जो संस्कृति है, एक आदिवासी के जीवन की जो सुगंध है वो गायब हो जाती है. उसका जीवन का जो केंद्र है, जिन गीतों को गा गा के वो बड़े हुए थे, जिन मिट्टी के मकानों की दीवारों पर उन्होंने चित्रकारी की थी, जिन मिट्टी के मकानों में फूस को फूस के छप्पर उठाने के वक्त लोग इकट्ठे हुए थे और वो गीत गाते थे, वो उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं. और इस तरह से आदिवासी विस्थापित, अपनी ही जगह पर विस्थापित हो जाता है, अपनी ही जगह पर माइग्रेट हो जाता है. Man becomes Superman to save the world. And for a mother, her child is her world. And she becomes Superwoman to save her child from all the disasters. यहाँ तक कि 5 दिन के पैसे और नहीं दिए जो आ रहे थे. 23 दिन के पैसे दिए, पूरे महीने के पैसे भी नहीं दिए मालिक ने. खाने पीने की है और थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा. वो पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं. इतनी दूर चल के आते हैं फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ जहाँ से आए वहाँ जाओ. वैसे कि हम इंसानी, हम कोई जानवर वानवर है जो हमें भगा रहे हैं. Truly shocking images coming in from Badayun in Uttar Pradesh, where instead of helping migrant workers, the police have been caught on camera punishing them and making them walk like this. Can you believe it? पिता के फल के ठेले पर बैठा था ये मासूम. दो पुलिस वालों ने मासूम की पिटाई कर दी और बारादर थाना क्षेत्र के सिंधु नगर की घटना. मेरे पापा नहाने गए थे घर पे, हमारा ठेला लगता है गली में, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था. पुलिस वाले आए, उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, मारे डंडे मुझे पुलिस वालों ने. ऐसी महामारी में सेना का योगदान लेने में क्यों हिचक थी, ये हमको समझ में नहीं आता. हम एक तरफ तो कहते हैं कि पुलिस इतना भ्रष्ट है कि वो अधिकारी अपराधियों से मिली हुई है, वो एकदम नकारा सिस्टम है, और दूसरी जगह हम उसे कहते हैं कि उनको माला पहनाइए, उन्होंने महामारी में बहुत अच्छा काम किया है. हम कहना क्या चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर्स आर क्रिटिसाइज्ड एवरी डे इन आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, बट इन ऑल दिस वी फॉरगेट दैट बियॉन्ड ऑल दे प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर सोसाइटी. एंड जस्ट लाइक यू, I used to think the same way, but this pandemic changed my mind. It clearly shows us the police officers who truly uphold the rule of law, the national values of secularism, democracy, equality, and service to the people, and ensure the dignity and rights of people with sensitivity. Thank you.
अभी जो कर्फ्यू लागू किया है, संचार बंदी लागू किया है, इसकी वजह से जो डेली काम करने वाले लोग हैं डेली वेजेस के ऊपर, इनका कमाएंगे डेली और खाना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, भूखे पेट सोएंगे। तो ऐसे लोगों को हम, मेरे यहाँ जो राष्ट्रीय सेविका समिति का जो सदस्य लोग है महिला, उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनका एरिया में लक्ष्मी नगर, शंकर नगर, नरेंद्र नगर या RTO के पास जो रहते हैं, उन्होंने उनकी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने दो दो तीन तीन लोगों का खाना पैक करके दिया है और वो उनके यहाँ जाके हम कलेक्ट करते हैं और वो खाना हम ऐसे लोगों को जो इनको जरूरत है ऐसे लोगों को हम बांटते हैं। Therefore, police officers are in an ideal spot to provide critical support to migrant laborers and needy during times of crisis, such as COVID-19 pandemic. Stock of the situation, he's tweeted, he says, and I quote, extremely anguished by loss of lives due to the rail accident in Aurangabad in Maharashtra. I've spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided. That is Prime Minister Narendra Modi putting out a tweet on what's happened in Aurangabad. Says extremely anguished by the loss of lives, also confirms that he's now spoken to the railway minister, closely monitoring the situation. Prime Minister personally monitoring the situation. The centre has meanwhile ordered probe as well. A statement was released by the Ministry of Railways as well. अनेक स्थानों पर जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपने घर से दूरस्थ इलाकों में अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर इस योजना को न सिर्फ योजित किया वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ आज वो उपस्थित हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान
पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे, अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, ये जमीन तब भी निगल लेने को आमता थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। किए दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामो दर और जरा और सवारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है।